सीड। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इन इनसाइड दिस फ्रूट्स। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही क्या होता है, सीड है। और सीड क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सो सीड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, एक कवरिंग होती है सीड कोट बोलते हैं जिसको, कोटलीडन होती है, इसके अंदर एक भी हो सकती है दो भी, और एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, मतलब एक बिल्कुल बीचों बीच एक एक एक्सिस जैसे एक्सल बोलते हैं तो प्रेजेंट होता है। कोटलीडन क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है ये, थिक स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स, जैसे जो लेग्यूम्स होती हैं दालें होती हैं मटर होते हैं, तो उनके अंदर हम देखते हैं कि जो कोटलीडन्स हैं वो क्या होती हैं, थिक स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे मटर के बीज को हम खाते हैं, दाड़े खाते हैं, तो वो जो पोर्शन हम खाते हैं वो क्या होते हैं, कोटलीडन होते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती इनके अंदर, और मोटी होती हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जो खाना है वो रिजर्व होता है, जो कि आगे जो जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। मैच्योर सीड में भी, तो मैच्योर सीड है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब उसके अंदर कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, मतलब वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है जब इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने पीछे भी देखा ये पी एंड ग्राउंड नट का एग्जाम्पल। उसके बाद एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके अंदर जो कुछ पार्ट है एंडोस्पर्म का वो बच जाता है, जैसे वीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टर है, जो वीट के अंदर हम जो भी मटेरियल खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही होता है। पेरिस्पर्म क्या होता है, कई बारी जो न्यूसेलस रीजन हमने देखा था एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसका भाग भी कुछ ना कुछ बच जाता है सीड के अंदर मैच्योर होने के बाद, जैसे जो ब्लैक पेपर है और बीट है इनके अंदर, वो बचे हुए भाग को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद है इंटेग्यूमेंट्स, क्या होती हैं इंटेग्यूमेंट्स, जो ओव्यूल के ऊपर आउटर कवरिंग होती थी, तो वो हार्ड होके सीड कोट बनाती हैं। तो सीड कोट किसके मैच्योर होने से बनता है, इंटेग्यूमेंट्स के मैच्योर होने से बनेगा। उसके बाद है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। जो ग्राम सीड यदि आपने देखा है ध्यान से, उसके ऊपर एक बिल्कुल टिप रीजन पे एक पोर होता है, स्मॉल पोर, और वो क्या करता है, वो माइक्रोपाइलर एंट्री की तरफ ही होता है, माइक्रोपाइल ही होता है जो इंटेग्यूमेंट्स के बीच में खाली जगह होती है, जो हमने एम्ब्रियो सैक में देखा था, जहां से पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, तो वो एक पोर के रूप में ऐसा कैसा रह जाता है सीड में भी, और वो क्या करता है ऑक्सीजन और वाटर की जो एंट्री है सीड के अंदर करवाता है, ताकि जो सीड है वो सूखे नहीं, वो डिहाइड्रेट ना हो और रेस्पिरेशन भी करता रहे। सीड मैचुरेशन, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। तो सीड मैचुरेशन क्या होता है, सीड मैचुरेशन के टाइम पे जो उसका वाटर कंटेंट होता है वो 10 से 15% तक रह जाता है, मतलब काफी जो वाटर कंटेंट है बहुत बहुत ही कम रह जाता है, बाय मास यदि देखें मतलब सीड के मास के कंपैरिजन में केवल 10 to 15% वाटर ही उसके अंदर रहेगा, जबकि जो बाकी वाटर है वो उड़ जाता है उसमें से। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोड डाउन, और साथ में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो भी रिएक्शन है, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म किसी भी चीज का बनना है या ब्रेक डाउन होना है, वो एक्टिविटी भी इम्ब्रियो के अंदर रुक जाती है, और इम्ब्रियो है वो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो थोड़ी टाइम के लिए रुक जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो ज्यादातर डोरमेंसी अनफेवरेबल कंडीशन में ही दिखाई देती हैं। जैसे ही सीड के पास जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, प्रचुर मात्रा में नमी मिल जाती है, उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और सुटेबल टेम्परेचर मतलब एक उपयुक्त तापमान मिल जाता है, तो जो सीड है वो जर्मिनेट करके प्लांट बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है जो मोनोकोट और डाइकोट सीड हैं, उनको हम पिक से समझेंगे। जैसे डाइकोट सीड हैं, जब उनको खोल के देखते हैं तो दो कोटलीडन वो सेपरेट हो जाती हैं, और एक इम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और इम्ब्रियोनल एक्सिस के जो हमने एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रीजन देखे थे, एपिकोटाइल रीजन ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और हाइपोकोटाइल जो जहां से कोटलीडन अराइज होती है उसके नीचे वाले भाग से। अब हम देखेंगे जैसे कोटलीडन ऐसे डायग्राम से लग रहा है कि यहाँ से राइज हो रही है, लेकिन कोटलीडन इस पोर्शन से राइज होती है ऊपर वाले से, और इसके नीचे वाले जो रूट वाली साइड होता है उसको हाइपोकोटाइल रीजन बोला जाता है। उसके बाद सीड कोट जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, और कोटलीडन क्या है, जो बड़ी बड़ी जो परत दिखाई दे रही है वो कोटलीडन ही होती है। उसके बाद मोनोकोट में क्या होता है, एक सिंगल कोटलीडन होती है, जब हम देख सकते हैं ये एक सिंगल कोटलीडन है जो यहाँ पे एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई हुई है, और इसको स्कोटुलम बोला जाता है, और इसी स्कोटुलम के अटैचमेंट के नीचे वाले भाग को, जहाँ से ये स्कोटुलम अटैच है उसके नीचे वाले भाग को रेडिकल बोलते हैं,
और ऊपर वाले भाग को एपिकोटाइल या फिर प्लीम्यूल को कवर करता है जो रीजन, उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और रेडिकल को जो रीजन कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं। उसके बाद है जो बाहर की तरफ, जैसे मेज का डायग्राम है, मक्के का डायग्राम, मक्के का जो सीड होता है उसके बाहर बिल्कुल मजबूत एक परत होती है सीड कोट, और काफी सारा इसके अंदर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ से क्लियरिटी ले सकते हैं मोनोकोट और डाइकोट सीड्स के अंदर। उसके बाद एक जो डाइकोट सीड है उसको बिल्कुल जैसे बीन से, बीन का जो सोयाबीन का सीड होता है उसको हम देख सकते हैं, एक हाइलम रीजन होता है। हाइलम ये वही रीजन है जो क्या करता है, फ्यूनिकल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जंक्शन जो हमने पढ़ा था फिल्म के अंदर। और जो एंडोस्पर्म है जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है सीड डेवलपमेंट के टाइम पे, और जो देख सकते हैं कुछ लीफ प्रीमोर्डिया भी प्रेजेंट होती हैं, यहीं से जो आगे की लीफ हैं वो राइज होती हैं। एपिकोटाइल क्या होता है, जो कोटलीडन से ऊपर वाला पोर्शन होता है, और कोटलीडन जहाँ से राइज होती है उसके नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और हाइपोकोटाइल ही आगे जाके क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है। तो ये हम अलग अलग जो स्ट्रक्चर है सीड के अंदर, वैसे इतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती कई बार ये, वैसे जब सीड को हम जर्मिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे अंकुरित करके खाते हैं जो ग्राम वगैरह होता है, चने वगैरह को जब हम पानी में भिगो देते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने के बाद जो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या होती हैं, फर्स्ट ट्रू लीव्स होती हैं जो आगे जाके फोटोसिंथेसिस का काम देखती हैं। और जो हाइपोकोटाइल रेडिकल, ये इतने ज़्यादा डिफरेंशिएटेड रीजन नहीं होते, बाकी हम जो कोटलीडन है उसको तो आराम से देख पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ये आसानी से, मतलब थिकर स्ट्रक्चर होती है, आसानी से हम इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड बनता क्यों है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में क्या कारण होता है सीड बनने का, उसके फायदे क्या हैं। हैव अ बेटर एडेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। तो जो सीड हैं ये बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब बड़े एक अच्छे उपाय के रूप में इनको यूज किया जाता है प्लांट्स में, क्या करने के लिए, ताकि प्लांट को नए नए एरियाज के अंदर डिस्पर्ज, डिस्पर्ज का मतलब फैलने का मौका मिले, एंड हेल्प स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, ताकि दूसरे एरिया के अंदर भी जो उस प्लांट की स्पीसीज हैं वो फैलती जाएं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी जो कॉलोनीज हैं वो ज़्यादा दूर दूर तक फैलें। तो उसी के लिए जो सीड हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स की। सुफिशियंट फूड रिजर्व्स नरिश यंग सीडलिंग्स आर अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन दियर ओन। जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है कोटलीडन की फॉर्म में, तो जो यंग सीडलिंग होते हैं जो कि छोटे प्लांट होते हैं, जब तक वो फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं हो जाते, लीफ वगैरह उनके अंदर नहीं बनती, तब तक जो खाना वगैरह प्रोवाइड करने का काम है वो ये जो फूड मटेरियल होता है कोटलीडन में या फिर एंडोस्पर्म में या पेरिस्पर्म में वो उनको प्रोवाइड करता है। हेड हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग इम्ब्रियो। जो हार्ड सीड कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब बाहर के जो भी अलग अलग कंडीशन है उनसे इम्ब्रियो को बचा के रखता है। जनरेट न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन लीडिंग टू वी वेरिएशंस। जैसे सीड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर वेरिएशन भी देखने को मिलेगी, और वेरिएशन मिलेगी तो नए नए जेनेटिक कम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, नए नए जीन के कम्बिनेशन मिलेंगे जो कि इनकी इवोल्यूशन में मदद करते हैं। सीड इज बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। जो हम खेती बाड़ी करते हैं तो वो भी सीड की वजह से पॉसिबल होती है, क्योंकि एक सीजन के सीड को हम अगले सीजन में यूज करते हैं। जो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी होती है मैच्योर सीड की, ये क्रिशियल होती है फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। जो हम गेहूं को स्टोर करके रखते हैं पूरे सीजन उसी को खाते हैं, चावल है इसी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, तो किस वजह से रख पाते हैं, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन और जो डोरमेंसी की जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैच्योर सीड का, उन्हीं की वजह से हम उनको स्टोर कर पाते हैं। विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट ईयर, जिसको हम पूरी साल एक खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन, और जबकि जो अगला सीजन है उसके अंदर हम फसल वगैरह उगाने में भी उसी जो स्टोर सीड है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। आगे है सीड वायबिलिटी। तो ये क्या होता है, सीड का कितने लंबे टाइम तक अपनी जो फर्टाइल स्टेज में बने रहना, मतलब सीड कितने लंबे टाइम तक एक नया प्लांट है वो पैदा करने के कैपेबल रहता है, तो उसको सीड वायबिलिटी बोलते हैं। तो कुछ स्पीसीज में जो सीड हैं वो अपनी वायबिलिटी को केवल कुछ ही महीनों में खो देते हैं, मतलब कुछ महीने तक उनको जर्मिनेट करवा दिया गया तो ठीक है वो प्लांट बना लेंगे, वरना फिर वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, जबकि बहुत सारी स्पीसीज के जो सीड होते हैं वो कई कई सालों तक भी वायबल रहते हैं, वो कई कई सालों के बाद भी यदि उनको जर्मिनेट करें तो वो प्लांट बना सकते हैं। तो सम रिमेन्स अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर, जबकि कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि सैकड़ों सालों तक भी जीवित रह सकते हैं।
जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपाइन, लुपिनस, आर्कटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टूंड्रा। तो जो सबसे पुराना जो सीड माना जाता है वो एक लुपिनस आर्कटिकस नाम की एक स्पीसीज है, वो आर्कटिक टूंड्रा नाम की जगह से एक्सकेवेटेड का मतलब होता है एक्सकेवेटेड, डिस्कवर किया गया है। और ये लुपाइन मतलब प्लांट है जिसका जर्नल नेम है लुपाइन, और लुपिनस आर्कटिकस क्या है इसका स्पेसिफिक या फिर जो एक साइंटिफिक नाम है इसका, तो आर्कटिक टुंड्रा मतलब जगह है आर्कटिक जो महाद्वीप है उसके अंदर, और वहां से इसको खोजा गया है। और ये जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 1 और 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, मतलब 10,000 साल के बाद भी ये जर्मिनेट करने के कैपेबल रहे हैं, तो बहुत साल पुराना माना गया इसको। उसके बाद एक और जो सीड है, ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम। डेट पाम का एक जो सीड है, डेट पाम का साइंटिफिक नाम है फिनोक्स डैक्टिलिफेरा, तो इसका सीड जो 2,000 साल के बाद तक भी वायबल माना गया है, ऊपर वाला 10,000 साल तक था और ये 2,000 साल तक भी वायबल पता किया है इसका। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सवेशन एट द किंग हियोर्ड पैलेस नियर द डेड सी। डेड सी मतलब मृत सागर है एक, वहां पे उसके किनारे पे मतलब उसके कोस्टल रीजन पे एक किंग हार्ड कोई राजा है, उनका पैलेस मतलब उनका महल के पास इनको खोजा गया है इस सीड को। और का आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है जो पुरातत्व विभाग के जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती हैं, पुरानी चीजों को खोजने वाले जो भी अलग अलग टाइप के जो खोजबीन होते हैं, तो उन्होंने सीड को खोजे हैं। तो इसका जो डोरमेंसी पीरियड कितना है, 2,000 साल तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीड वायबिलिटी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग सालों तक देखने को मिल जाती है।